हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्लानिंग फॉर सर्वे, सर्वेक्षण के लिए नियोजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्या होता है प्लानिंग फॉर सर्वे, सर्वे के लिए हम प्लान कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेटा इज द बेस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यानी के सामंक सांख्यिकीय अनुसंधान के मूल आधार है, जो मेन बेस होता है वो है। फिर है टू गेट गुड रिजल्ट इन माय फील्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू दैट देयर इज इनफ एंड एक्यूरेट डेटा, यानी कि किसी क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने के लिए यह अति आवश्यक है कि समस्या से संबंधित यथोचित पर्याप्त और यथार्थ समंक उपलब्ध हो। देयरफोर द डेटा शुड बी कलेक्टेड थ्रू द राइट मेथड, जो डेटा है कलेक्ट किया गया है वो सही मेथड से कलेक्ट किया जाना चाहिए। बट इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्लान बिफोर डूइंग द सर्वे, कि पहले जब भी आप कोई भी संकलन कर रहे हो अनुसंधान से पूर्व, आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि जब हमको सर्वे करना है और सर्वे के लिए कुछ प्लानिंग की जाती है, तो उसके रिसर्च का जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसर्च कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होगा, ये सब कुछ करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स, देखिए ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें फॉलोइंग पॉइंट शुड बी थॉट ओवर बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ रिसर्च, कि जब भी आप एक रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उससे पहले इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब वो बिंदु कौन से हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पर्पस एंड एरिया ऑफ रिसर्च, कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या है और किस क्षेत्र में, आप क्यों रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और किस एरिया में कर रहे हो, सबसे पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेकेंड दे रखा है आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के स्रोत, आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है आपके। फिर है द फॉर्म एंड टाइप ऑफ द रिसर्च, यानी अनुसंधान का फॉर्म क्या है, रिसर्च का फॉर्म एंड टाइप क्या है, वो देखना है आपको। देन है फिक्सिंग द स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, यानी सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण करना है, इकाइयों का निर्धारण, क्लियर है। उसके बाद दे रखा है लास्ट आपका पॉइंट जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता की मात्रा, ठीक है। तो इन सब के बारे में, ये रिसर्च करने से पहले, रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाने से पहले हमको क्या करना है, पहले प्लान करना है, ठीक है, पहले इन पॉइंट्स को हमको मद्देनजर रखना है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च जब हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो क्या हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से, इससे कुछ एडवांस डिटेल में हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए। चलिए तो वो भी काम कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वेसल एंड एडवर्ड विलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, द पर्पज ऑफ The project should always be spelled out as precisely as possible. This will ensure that collection of the proper information and spare of the expense and trouble of handling irrelevant data. यानी कि अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य यथासंभव परिशुद्ध रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, इससे उचित सूचना का ही संग्रह हो, ये इससे जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो ही कलेक्ट हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर है प्रसंगहीन आंकड़ों के संकलन व प्रसत के खर्च और कष्ट से छुटकारा मिल जाए, यानी कि हमको अपने रिसर्च में, देखो अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको अगर ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे, आपको अगर पर्पज़ नहीं पता है, एरिया नहीं पता है, सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, फॉर्म टाइप, ये सारे नहीं पता होंगे, तो आप अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते हो। और रिसर्च अगर कंप्लीट भी कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो चाहिए वो आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वेसल एंड एडवर्ड विलेट के अनुसार ये कहा गया है कि जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन की आपको नीड है, जिसके लिए आपने इस रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है आपको कलेक्ट करना है, और जो आपके लिए ज्यादा सही या फिर ज्यादा जिसकी नीड नहीं है या फिर आपके काम की नहीं है, तो उन इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन से बचना है आपको। अगर आप देखो कोई भी चीज़ अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहे हो तो आपको पैसा लगेगा उसमें, ठीक है, एक्सपेंस होगा। अगर आप अपनी जो जो नीड है, जिन जिन इन्फॉर्मेशन की हमको नीड है, अगर हमने उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। पर इसके ऑपोजिट अगर हम अपने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमको यूज़ हो या नहीं हो, तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमको इस राइटर के अनुसार हमको क्या करना है, अपने एक्सपेंस को कम करना है, एक्सपेंस से बचना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। यदि पहले से ही उद्देश्य, पहले से ही हमने बताया ना, ये जो पॉइंट्स बताए ये पहले से ही आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर हमने पहले से ही ऑब्जेक्ट, पर्पस, अगर एरिया निश्चित नहीं किया है तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बहुत से ऐसे अननेसेसरी डेटा को भी कलेक्ट हो सकता है, जिससे टाइम, कैपेसिटी और हमारा मनी तीनों का क्या होगा, वेस्टेज होगा। क्लियर है? देखिए सबसे पहला क्या था, पर्पस एंड एरिया को अगर हमने पहले डिसाइड नहीं किया है तो क्या हमारा टाइम, धन व्यय नहीं होगा, हमारा जो मनी है वो एक्सपेंस होगा। फिर देखिए कि अनुसंधान के उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट भी हो सकते हैं। अब जनरल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, कि अनुसंधान विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। आप रिसर्च, किसी भी जनरल जो रिसर्च होती है, जैसे पॉपुलेशन की, ठीक है, जैसे जैसे आपकी हो गई कोई भी नेशनल सर्वे हो गया आपका, ठीक है, तो ये रिसर्च क्या है आपकी, जनरल। पर अगर आपके विशिष्ट उद्देश्य रखने वाले हैं तो वो हमेशा जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे पैमाने पर किए जाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म, शॉर्ट स्केल पर किए जाते हैं, उनकी उपयोगिता किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहती है। पॉपुलेशन हर किसी के यूज में आती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो। पर अगर आपके विशिष्ट उद्देश्य है तो वो हमेशा जो शॉर्ट स्केल पर सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें ये बताया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर ही आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो आपका हो गया, उस रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने जो पॉइंट्स देखे हैं उनके बिना हमारा रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की, ये क्या कहती है, शुद्धता का स्तर। इन रिसर्च द डिग्री ऑफ रिसर्च इज टू बी डिसाइडेड एज वेल इट इज अ प्रैक्टिकल वेरी डिफिकल्ट टू गेट 100% एक्यूरेसी। यानी कि अनुसंधान की योजना में शुद्धता का स्तर भी निर्धारित करना है होता है। व्यवहार में 100% शुद्धता प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% जितना हमने रिसर्च किया है वो सही है, ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। Therefore, a degree of accuracy is a fixed. यानी कि अतः शुद्धता का एक निश्चित स्तर तय किया जाता है, फिक्स स्टैंडर्ड तय किया जाता है उसी को, जैसे 100, 200, 500 जो भी आपका स्टैंडर्ड है। इट इज़ अ डिसाइडेड बाय द पर्पज ऑफ रिसर्च, साइज ऑफ डेटा, रिसोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी शुद्धता का एक निश्चित स्तर तय किया करने के बाद यह स्तर अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र समग्र के आकार, यानी कि इसके पर्पस, इसके एरिया, इसके साइज, इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर, इंफॉर्मेशन से डिसाइड होता है। क्लियर है? एक्यूरेसी किससे डिसाइड करेंगे हम, सोर्स से, ठीक है। उसके बाद हमारा कि एक्यूरेसी हम साइज से भी डिसाइड कर सकते हैं और रिसर्च से, पर्पस से भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
ये था हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब हम आगे बात करते हैं, हम यूज ऑफ क्वेश्चनरीज, यानी कि हमारी जो प्रश्नावली है उसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इन दिस मेथड, enumerators are appointed for the collection of data and these enumerators collect information on the basis of fixed questionnaires यानी कि इस रीति से समंकों को संकलित करने के लिए एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि अगर आप क्वेश्चनरीज को ले रहे हो, इस क्वेश्चनरीज के मेथड को ले रहे हो, तो आपको वहां पर डेटा कलेक्शन के लिए किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? एन्यूमरेटर्स को। ठीक है? देन उसके बाद और वे एन्यूमरेटर एक फिक्स्ड क्वेश्चनरीज के बेस पर क्या करेंगे, आपके डेटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात की जाने वाली गणना इस रीति का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है आपका कंडक्टर सेंस जनगणना, ठीक है, जो हर 10 साल में की जाती है। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इसी में कि जैसे इस रीति में एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट की जाती है, वे घर जा जाकर ये पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और एन्यूमरेटर्स की अपॉइंट करते समय हमको इस बात को ध्यान रखना है कि वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो पेशेंस होने चाहिए, वो एक्सपर्टाइज होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, एक्सपीरियंस और गुड बिहेवियर वाले होने चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम ये नोट डाउन कर लेते हैं, एन्यूमरेटर्स कैसे होने चाहिए। एन्यूमरेटर्स कैसे होने चाहिए ये देखिएगा। सबसे पहला एन्यूमरेटर दे हैव पेशेंस, एक्सपर्टीज, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस एंड गुड बिहेवियर होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? फिर सेकेंड बात करते हैं, they should be interested in their work। उनको उनके काम में वो क्या होने चाहिए? इंटरेस्टेड होने चाहिए। ठीक है? फिर है अपने क्षेत्र के समंकों की सूचकों की भाषा, रीति रिवाज और उनके स्वभावों से भली भांति परिचित हो। यानी के should have the knowledge of their local people
एंड डायलेक्ट द नॉलेज ऑफ देयर locals dialect and people nature. ठीक है, फिर है they should be well trained so that they have experience of filling of the schedule, have the experience to tackle any problems. चलिए उसके बाद ये हम सारी एनिमेटर्स कैसे होने चाहिए प्रगणक उनके बारे में बात कर रहे हैं. दे शुड बी वेल ट्रेन्ड सो दैट दे हैव experience of filling up the schedule, schedules and have the experience to tackle any problem. यानी के उनका उपयुक्त कठिन उनका उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छे से दी जानी चाहिए जिससे उन्हें अनुसूची भरने का प्रयास हो जाए, जिससे वो क्या करें स्केड्यूल भरने का एक्सपीरियंस हो सके और वे संभावित जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या करें वो टैकल कर सके. ठीक है, उसके बाद के ओनली बी कीपिंग these precaution in mind accurate only by keeping these precautions in mind accurate and enough data can be collected. यानी प्रगणकों के कार्य के निरीक्षण का भी निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली द्वारा शुद्ध और व्यापक समंक उपलब्ध हो सकते हैं. ये जो मेथड है वो ज़्यादा दिस मेथड इज़ फिट फॉर लार्ज एरिया. ये जो है वो लार्ज एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है. जब आपके पास एरिया बहुत बड़ा हो तब ये इस मेथड को यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूजुअली द गवर्नमेंट विच यूज़ दिस मेथड एज अ वेरी एक्सपेंसिव अधिक खर्चीली होने के कारण अधिकतर सरकार ही इसी प्रकार के रिसर्च करवाती है. क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चनरीज. ठीक है, अब क्वेश्चनरीज में जो एन्यूमरेटर्स जो फॉर्म फिल करवाते हैं ब्लैंक फॉर्म और क्वेश्चनरीज उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चनरीज होती क्या है. ठीक है, कैसे यूज होता है. दिस इज मैथड इन दिस मैथड एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड दीज एन्यूमरेटेड कलेक्ट information on the basis of fixed questionaries. यानी के questionaries इस तरह का अगर हम method use कर रहे हैं data collection के लिए तो हमको क्या करने हैं enumerators appoint करने हैं. और enumerators appoint करेंगे वो भी जो enumerators appoint किए हैं वो किस base पर data collect करेंगे questionaries के fixed format के base पर. ठीक है,
देन उसके बाद अब एनुमरेटर्स, इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है जनगणना। उसके बाद एनुमरेटर्स कैसे होने चाहिए, दे हैव पेशेंस, एक्सपर्टाइज, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस एंड गुड बिहेवियर। वो गुड बिहेवियर वाले होने चाहिए क्योंकि वो लोकल्स के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे शुड बी इंटरेस्टेड इन देयर वर्क, यानी कि उनको अपने कार्य के प्रति रुचि भी होनी चाहिए। द नॉलेज ऑफ देयर लोकल डायलेक्ट्स एंड पीपल नेचर, यानी कि वहाँ हम जिस एरिया में क्वेश्चनरीज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एनिमेटर्स को ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज में होना चाहिए कि वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से उनको डेटा मिल सकता है उस जगह का। देन उसके बाद दे शुड बी वेल ट्रेन सो दैट दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ फिलिंग ऑफ द स्केड्यूल, हैव टू एक्सपीरियंस टू टैकल एनी प्रॉब्लम, यानी कि जो एनिमेटर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए और ताकि उनको अपने स्केड्यूल फील करने का एक्सपीरियंस मिल जाए। हैव द एक्सपीरियंस टू टैकल एनी प्रॉब्लम, वो अपनी संभावित किसी भी समस्या को हल कर सके। एंड नेक्स्ट है, ओनली बाय कीपिंग दिस प्रिकॉशन इन माइंड एक्यूरेट एंड एनफ डेटा कैन बी कलेक्टेड, यानी कि हमारी जो भी ये प्रगणक, जो इन सावधानियों को ध्यान में रखने से ही इस प्रणाली का, ये जो हमने ऊपर अभी जो सावधानियां बताई है, ये सावधानियां ध्यान रखते हैं तभी हमको क्या मिलता है, एक्यूरेट और इनफ डेटा मिल सकता है। और ये जो क्वेश्चनरीज का फॉर्म है, ये हम किस स्केल के एरिया पर सूट करते हैं, हम लार्ज स्केल का, जहाँ पर आपको रिसर्च करवाना है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करनी है कि एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक एक बंदे को हम पर्सनली नहीं पूछ सकते हैं, तो आप क्या करो, वहाँ पर क्वेश्चनरीज मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चनरीज का टॉपिक। क्वेश्चनरीज में हम क्या क्या फिल करते हैं, ब्लैंक और क्वेश्चनरीज के फॉर्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं